हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई टेक्नोलॉज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो और साथ में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फोटो का बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। और दोस्तों अगर आप पहली बार अपने चैनल पर आए हो तो यार अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए, पास में बेल आइकन उसे और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहेगी इस प्रकार की आने वाले टेक्नोलॉजी वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों सबसे पहले अपन करते हैं अपने फोटोशॉप को ओपन। तो जैसा कि दोस्तों अपने ये फोटोशॉप है एडोब फोटोशॉप, अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है और आज के इस वीडियो में आपको सिखाता हूँ कि कैसे अपन पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहिए। जैसे दोस्तों ये फोटोशॉप ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाके सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है ओपन का, तो आपको कंट्रोल ओ करके या ओपन करके अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों अपन एक फोटो ओपन करते हैं और इस फोटो का जैसा कि अपन को करना है पहले बैकग्राउंड चेंज, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैजिक टूल के नाम से, तो आपको या तो डब्लू प्रेस कर देना है या फिर यहाँ से सिलेक्ट करके फोटो का बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे दोस्तों आपको डिलीट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। दोस्तों ऐसे इस तरीके से आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से अपनी फोटो का बैकग्राउंड जो भी आपको अच्छा लगे आप अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं जैसे इसका बैकग्राउंड ब्लू रहने देता हूँ। अगर दोस्तों आपके पास इस तरीके से भी ये नहीं आता है तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आता है यहाँ पे ये पेंट बुकलेट टूल्स के नाम से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है पेंट बुकलेट टूल्स, तो आपको यहाँ पे आके इस तरीके से भी आप अपनी उसमें फोटो में कलर चेंज कर सकते हो। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों आपको अपनी फोटो में बैकग्राउंड रेड बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना है। तो आपको अपनी फोटो का बैकग्राउंड जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताते देता हूँ कि मैं ब्लू ले लेता हूँ। जैसे दोस्तों मैं इसका ब्लू बैकग्राउंड लेके अपनी फोटो को ऑल सेलेक्ट करता हूँ और ऑल सेलेक्ट करने के बाद में अपन इसको फोटो को साइज है जो अपने को पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है तो 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर और रेजुलेशन अपने को यहाँ पे 200 रखना है। यहाँ पे अपनी फोटो की साइज आ जाएगी, अपन क्रॉप यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइज है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर रेजुलेशन 200 यहाँ पे ये करना है और आपको अपनी फोटो को यहाँ से क्रॉप कर लेनी है। आपको एंटर दबाना, जैसे दोस्तों आप एंटर दबाओगे तो आपको यहाँ पे माउस का राइट बटन क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और आल्ट प्लस ES दबाना है आपको, आल्ट और ES, Alt ES दबा के आपको यहाँ पे बैग बॉर्डर लेनी है तो अपने को यहाँ पे ब्लैक ले लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो अपनी फोटो की बॉर्डर और पूरी ब्लैक हो गई है, तो इस तरीके से आप अपनी फोटो की बॉर्डर को ब्लैक करके आप जैसे अपन यहाँ पे फोटो को ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे ऑप्शन है एडिट का, एडिट पे जाके यहाँ पे डिफाइन पैटर्न का ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद में अपन न्यू फाइल ओपन करेंगे, यहाँ पे अपन 4x6 की शीट लेंगे और यहाँ पे रेजुलेशन 200 रख देंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही अपन ओके करेंगे तो यहाँ पे इसको ऑल सेलेक्ट करके शीट को यहाँ पे इमेज पे ऑप्शन आता है तो यहाँ पे 90 डिग्री CW ले लेंगे, रोटेट कर देंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके फिल पे क्लिक करेंगे, इसमें राइट बटन दबा के फिल का ऑप्शन आता है तो इस पर फिल पे क्लिक करके अपनी फोटो को कस्टम पैटर्न पे आके जो भी अपनी फोटो है उसको अपन यहाँ से ले लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से अपनी फोटो आ जाएगी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर आप जैसे अपनी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से आप क्रॉप करोगे तो इस तरीके से आपको अपनी फोटो को यहाँ से ये यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आता है तो यहाँ सेलेक्ट करके नीचे से डिलीट कर देना है। जैसे आप ये करोगे उसके बाद में आपको अपनी फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल दबा के आपको माउस का बटन दबा के इस तरीके से आप अपनी फोटो को इधर ले लेना है। उसके बाद में आपको अपने पूरे इसको सेलेक्ट करके आल्ट ES दबा देना है और इसको यहाँ पे एडिट भी जाके
या इमेज पे जाके रोटेट कैनवास CW कर देना है और अपनी फोटो का कंट्रोल पी करके और यहाँ पे स्केल टू फिट करके आपको प्रिंट आउट दे देना है। या फिर दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ फोटो को किस तरीके से आप, जैसे ये फोटो है इसको ये माउस का राइट बटन दबा के सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और आपको कंट्रोल टी करना है और आपको यहाँ से इसको छोटी कर देना है। यहाँ से कंट्रोल टी से अपन फोटो को रोटेट भी कर सकते हैं और इमेज को छोटी भी कर सकते हैं इस तरीके से आप, और इसको सेलेक्ट कर लेना है और वापस अपने को एडिट पे जाना है और डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है और फिर अपन न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पे रेजुलेशन 4x6 की शीट लेंगे, रेजुलेशन 200 लेंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में इमेज पे जाएंगे, रोटेट कैनवास CW करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर अपन करेंगे इसको माउस का राइट बटन दबा के फिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम पैटर्न पे आके अपन को जो भी अपनी फोटो है उसको सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरीके से अपन अपनी फोटो को सिलेक्ट करके जो भी साइड में फोटो आ रही है इसको कंट्रोल डी कर देंगे, सेलेक्ट करके इधर से भी डी कर देंगे। उसके बाद में अपनी फोटो को अपन यहाँ से जो भी अपनी फोटो है यहाँ से सेलेक्ट कंट्रोल दबा के रखेंगे और यहाँ से अपनी फोटो को ले लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपनी फोटो को अपन, और ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों इसको पूरे को सेलेक्ट करने के बाद में एडिट पे क्लिक, इमेज पे क्लिक करेंगे, रोटेट कैनवास CW पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो का अपन प्रिंट आउट दे देंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपनी वीडियो को लाइक करें, अगर आप पहली बार अपने चैनल पे आए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।